अहिंत नरेंद्र गिरी को किसने मारा है, इसी सवाल के साथ आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, क्योंकि अभी तक कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। जांच पूरी होगी तो उम्मीद है कि सच्चाई सामने निकल कर आएगी। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ये तस्वीर प्रयागराज से आप देख रहे हैं, ये रथ, इसी में पार्थिव शरीर रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी का। बागमरी मठ से संगम तक हर जगह केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, भारी भीड़ भक्तों की। महंत को संगम में आखिरी स्नान करा दिया गया है, अब उन्हें वापस मठ लाकर भू समाधि दी जाएगी। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। राहुल, अभी क्या चल रहा है वहां पर? स्नान करा लिया गया है, भू समाधि की तैयारी की जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाऊं भू समाधि की, जो तैयारी है लगभग सब कुछ पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का अंतिम स्नान था उसके बाद ही यहाँ जो बागम्बरी मठ है उसके अंदर जो समाधि स्थल बनाया गया है, जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम साधु संत यहाँ मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है और तमाम वो चाहने वाले उनके जो भक्त हैं वो मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि आपको दिख रहा है कि अब बस कुछ ही क्षण बाद यहाँ उनको लाया जाएगा, जहाँ उन्होंने एक नोट में लिखा था कि उनको समाधि जो दी जाए उस पेड़ के नीचे दी जाए जो अक्सर आया करते थे। और यहाँ आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे अब अंतिम विदाई उनकी यहीं होगी और जो समाधि है स्थल उनका बना दिया जाएगा। यानी तस्वीर यही है कि अभी जिस तरीके की कोशिशें थी कि तमाम जो चीज़ें चल रही थी कि बस अंतिम समय का इंतजार है और अब यहाँ पर वो पल आ गया है। और अब तमाम तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे भीड़ यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी है। जो बागम्बरी मठ है उसके अंदर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। सराउंडिंग जो इसकी पूरी है वो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया है ताकि कोई बाहर का ना जाए, लेकिन जो चाहने वाले हैं उनके पहुंच रहे हैं। मीडिया को भी एक स्थान दिया गया है, उसके माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन तस्वीर यही है कि अंतिम यात्रा जो थी अब यहां आकर समाप्त होगी और वो कुछ ही देर में आप देख पाएंगे कि उनको समाधि दे दी जाएगी। जी राहुल, कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो सुबह से ही मौजूद हैं, जहां अंतिम स्नान उनको कराया गया वहां पहले से मौजूद थे, उसके बाद वो यहां पहुंचे थे। बाकी जितने महामंडेश्वर हैं तमाम जो साधु संत हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि अंतिम विदाई जो होती है समाधि, जो साधु संत जो अपना अगर त्यागते हैं, प्राण त्यागते हैं, जिस तरीके की स्थिति होती है तो जिस तरीके की इच्छा होती है वो पूरी की जाती है। तो यहां पर बस अंतिम अब विदाई की तैयारी है। बाकी तमाम जो उनके साथ थे साधु संत थे, बड़े चेहरे थे, वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि एक दायरा है क्योंकि आगे मठ के लोग हैं और वही आगे उस पूरी जो परंपरा है उनकी उसको आगे पूरा करेंगे। और लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि बस कुछ ही क्षण में ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जी, जो एक वसीयतनामा जो लेटर मिला है उसमें कई ऐसे गहरे राज हैं राहुल, जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। तो कई सवाल छोड़ गए हैं महंत नरेंद्र गिरी अपनी मौत के पीछे। तमाम जो साधु संत हैं जिनसे आपने बात की है, क्या कहते हैं वो? देखिए, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो आत्महत्या कर पाएंगे। पहली बात यही है कि जब इस तरीके का सवाल उठता है तो कई चीजें ऐसी हैं जो सामना जिसके अभी सामने नहीं आई है। लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर देखें, अभी तक जो जांच चल रही है उसके आधार पर काफी चीजें होंगी। लेकिन जो उनका नोट था उससे और उनके चाहने वाले जितने भी साधु संत थे उनका सवाल यही था कि वो ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे, वो दूसरों को प्रेरणा देते थे, वो खुद ऐसा कैसा कदम उठाएंगे। जिस तरीके से हमने डिप्टी सीएम से जब बात करी थी केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने भी कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, जांच कमेटी इसकी जांच कर रही है। तो कई ऐसे सवाल हैं और जो कहा जा सकता है कि जो नोट में तो तमाम चीजें आपने देखी पढ़ी वो कहीं राहुल वो तस्वीरें भी हमें दिखाती रही है समाधि की, कई सवाल पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, इंतजार सब कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। अगर आप ये देखें किस तरीके से सजाया गया है पूरे अगर प्रांगण को देखें और इस जहाँ पर इस तरीके से ये जो समाधि तैयार की गई है और पूरी तरीके से आप देखें ये फूलों से सजाया गया है और तमाम जो साधु संत हैं, मठ के लोग हैं और तमाम वो बड़े चेहरे वो यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो एक जगह जो मीडिया को दी गई है वो वहाँ के प्रांगण के अंदर जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अंतिम विदाई की हैं। और आप देखें जिस तरीके का माहौल है, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि लगातार लोग आ रहे हैं और जो तमाम मठाधीश जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो उनके साथ थे, जो लगातार इनसे जिनके अपने एसोसिएशन था लंबे वक्त तक साथ रहे थे, जो उनका कहना था कि जिस वक्त ये हुआ था उससे पहले भी उनके साथ थे, तमाम वो चेहरे हैं, तमाम वो लोग हैं। हालांकि यकीन कर पाना सबके लिए मुश्किल है क्योंकि अंतिम विदाई है, क्योंकि जो लगाव था वो तमाम लोगों से था और तमाम प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके चाहने
वाले, कल हमने कुछ लोग ऐसे देखे थे जिनके चेहरे से यानी आंसू नहीं रुक रहे थे, वो लगातार रो रहे थे क्योंकि उनका एक लगाव था, क्योंकि जो बता रहे हैं कि महंत गिरी थे वो लोगों से काफ़ी मिलजुल कर रहते थे, काफ़ी लोगों को प्रेरणा देते थे। तो ऐसे में तस्वीर यही है कि अब अंतिम विदाई है, अंतिम क्षण है जब उनको। राहुल, मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा आगे और जाएं और ये क्योंकि इस वक्त जो दर्शक न्यूज 24 के साथ जुड़े हुए हैं वो जगह देखना चाहते हैं, वो आखिरी इच्छा, वो पेड़ जहाँ पर वो समाधि चाहते थे, उनके गुरु की भी समाधि वहीं पर है। थोड़ा सा और तस्वीरें आप अंदर की हमें दिखा पाएं। मैं पहले प्रांगण को आपको दिखाता हूँ कि ये बागमबरी मठ के उसी जगह का ये प्रांगण है, उसी पेड़ के नीचे जहाँ बताया जा रहा था कि उनके गुरु की समाधि थी और वो चाहते थे कि उनकी समाधि भी वहीं बने। और आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, आप जो तमाम जो साधु संत वहाँ देख रहे हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, यानी अब आवाज़ जो हम सुन पा रहे हैं गाड़ियों की, यानी जो अंत शव है, वो पार्थिव शरीर है, वो आ गया है। और अब आप अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें कि यहाँ भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, और इस तस्वीरों के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि लगातार लोगों का सिलसिला यहां आने का जारी है। और यहां पे तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं कि किस तरीके से यहां पे साधु संत जो अंतिम विदाई देने के लिए यहां पहुंचे हैं, और तमाम जो इस प्रांगण में आप तस्वीरें देखें कि आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहां पे अभी तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये पूरा प्रांगण है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे, इस प्रांगण में तस्वीरों के माध्यम से तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको आगे बढ़ना होगा, अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अंतिम क्षण है, और उसी देर में थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा ताकि और स्पष्ट तरीके से वो जगह हम देख पाएं, और हम नहीं बल्कि दर्शक वो देखना चाह रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा आपको जाना होगा आगे। मैं कोशिश करता हूं तमाम दिखाने की, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें भीड़ काफ़ी है, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने तस्वीर दिखाई थी वो उसी समाधि स्थल की है जो बनाया गया है। और अगर आप थोड़ा आगे से देखने की कोशिश करें तो यही समाधि स्थल बनाया गया है, यानी पूरी तरीके से जो एक कहा गया है कि एक डीप होल गड्ढा खोदा गया है जहां वो चाहते थे। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए यहां पे आप अगर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ भड़ गई है, और ऐसे में उनको संभालने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। तो ऐसे में ये चीज़ें जो सामने दिख रही हैं ये वो हिस्सा है जहां पे समाधि के लिए एक ज़मीन, जिस तरीके से उन्होंने कहा था उस पेड़ के नीचे जहां उनके गुरु की एक समाधि थी, वो वहीं समाधि बना दीजिए, और वहीं अब आखिरी पल का इंतजार पूरा हो रहा है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे होंगे क्योंकि एक प्रांगण का जो पूरा हिस्सा है उसके अंतिम छोर में हम खड़े हैं, और यहाँ से ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी राहुल, आपके जरिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये वो समाधि है जहाँ पर भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को, ये वही जगह अक्सर वो आया करते थे और यहीं पर उनके गुरु जी की समाधि है, और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि यहीं पर उनको भू समाधि दी जाए। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, समाधि खोद दी गई है, तमाम साधु संत वहां पर तैयार हैं। जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि उनका महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो भी वहां पर पहुंच चुका है, और उसके बाद भू समाधि की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन ये तस्वीर साधु संत देखेंगे, उनके जो श्रद्धालु हैं वो देखेंगे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी मौत से एक दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ से हर किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने पूजा पाठ भी कराया था, और उसके अगले दिन एकदम से सब कुछ बदल जाएगा ये उनके जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, साथीगण हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। महंत नरेंद्र गिरी जो कि दूसरों को ये बताते थे कि हर मुश्किल में आपको आगे बढ़ना है, हर मुश्किल को आपको पार पाना है, सामना करना है, जीवन का उन्होंने जो संदेश दिया था जीने का, आज वो कैसे हिम्मत हार गए, कैसे उन्होंने मौत को गले लगा लिया, ये देखिए तमाम साधु संत जो खड़े हैं वो भी यकीन नहीं कर रहे थे। न्यूज 24 ने इन सभी लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ सिग्नेचर करते थे, सात पन्नों का वो नोट कैसे लिख गए, वसीयतनामा कैसे लिख गए, सुसाइड नोट उन्होंने कैसे लिख दिया। उनके जो बेहद करीबी शिष्य आनंद गिरी और जो मुख्य पुजारी हनुमान मंदिर के, वो और उनके बेटे, तीनों की अरेस्टिंग हो चुकी है, दो की आज पेशी है, और इसी के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, तीन जगह पीएमओ भेजा गया है, एसआईटी के पास है, उस पर जांच जारी है, विस्तार सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक सवाल है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, अगर वो सुसाइड नहीं था तो फिर मौत के पीछे का जिम्मेदार कौन है। यूपी सरकार ने भी कहा है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उन्होंने ही मुलाकात एक दिन पहले की थी महंत नरेंद्र गिरी से, और महंत नरेंद्र गिरी ने उनको आशीर्वाद दिया था, पूजा पाठ भी कराया था, वो खुद स्तब्ध है, उन्होंने कहा कि वो
कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और आप ये आवाज भी सुन सकते हैं, पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद हैं। ये समाधि की तस्वीर है, यहीं पर भू समाधि उनको दी जाएगी। इससे पहले प्रयागराज घाट पर उनको गंगा स्नान किया कराया गया है, अब सीधे यहीं पर बागम्बरी मठ लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ साधु संत खड़े हुए हैं, बस पार्थिव शरीर आने का इंतजार हो रहा है और अभी किसी भी वक्त यहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अभी समाधि की तस्वीर, उस जगह की तस्वीर, उस पेड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वो समाधि, भू समाधि लेना चाहते थे, महंत नरेंद्र गिरी की जो आखिरी इच्छा थी।